वेलकम फ्रेंड्स हम लोग के कंप्यूटर फुल चैप्टर वाइज रिविजन में यहाँ पे सारे पॉइंट वाइज कंप्यूटर के जो चैप्टर्स uh, है सारे पॉइंट वाइज दिए गए हुए हैं और जितने भी चैप्टर्स है मैंने डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में उसके टाइम लाइन के हिसाब से मैंने उसको दे के रखा हुआ है ठीक है तो अगर ये वीडियो आपको लंबा लगे तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं ठीक है अगर आपको यही पेज पसंद है तो इसमें रख सकते हैं तो ठीक है हम लोग शुरू करते हैं जो यहाँ पे टॉपिक है ठीक है जैसे अभी इंट्रोडक्शन है तो उसके बाद अलग अलग टॉपिक्स आते रहेंगे ठीक है जैसे एवरीवेशन लास्ट में है ठीक है तो सारा जितने भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार देख लीजिए क्या क्या टॉपिक हम लोग इसमें करने वाले हैं तो यहाँ पे कंपिटिव एग्जाम्स में जितने भी सारे टॉपिक्स है वो ऑलमोस्ट रहेंगे सब ठीक है और जो जो बचा रहेगा कमेंट बॉक्स में उसमें लिख देना कि मुझे ये टॉपिक्स भी चाहिए जैसे आ, किसी स्टूडेंट ने कहा था कि उसको टोपोलॉजी चाहिए ठीक है तो टोपोलॉजी का एक अलग से मैं एक वीडियो निकालूंगा उसका ठीक है अभी फ़िलहाल एक जैसे बुक रीडिंग होता है ठीक है वैसे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं तो पॉइंट वाइज तो इसको हम लोग को याद भी उसी टाइम याद भी करना है ठीक है और आ, जो स्टूडेंट्स इसको पेन एंड कॉपी में लिखना चाहते हैं वो भी एट द सेम टाइम पॉज करके लिख सकते हैं Start. the era of 20th and 21st century has witnessed rapid development in science and technology influencing every aspect of human life one of the greatest things that man has ever created is perhaps the computer the computer is truly an amazing machine computers being used in areas of administration medicine एडुकेशन स्पोर्ट्स टिफेंस शॉप होम मार्केट्स एंड मेनी मोर कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई टी इन रिसेंट इस बिकम एन इंटीग्रेल पार्ट ऑफ आवर लाइफ वेर वी कैन सी इट ऑलमोस्ट एवरीवेयर तो इंसान ने सबसे अच्छा चीज जो है वो क्या बनाया उसको बनाया कंप्यूटर वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है एडमिनिस्ट्रेशन में मेडिसिन एडुकेशन स्पोर्ट्स डिफेंस शॉप्स होम मार्केट्स तो लगभग सभी में और आईटी कंप्यूटर एंड आई जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो बूम किया अभी कर, इस फिलहाल करंट सेंचुरी में तो आप देख लीजिए जो भी काम हो रहा है वो कंप्यूटर में हो रहा है ठीक है ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट हेल्प्स टू प्रोसेस डेटा तो इसका डेफिनेशन याद रखना फिल्म द ब्लैक्स में आ सकता है ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन What is machine? is an electronic machine that helps to process data. It is used to solve problems relating to almost all fields such as education, home, medicine, science and technology, research, designing, publishing, communication, etc. Computer is an information processing and information accessing tool. This means that a computer accepts some information or data from the outside world. It processes it to produce a new information. मतलब क्या बोला इसमें ए कंपेरिजन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन एक्सेसिंग मतलब ये बाहर से जो इंफॉर्मेशन इसको दिया जाएगा उसको प्रोसेस करेगा ठीक है और वो प्रोसेस करके एक नया इंफॉर्मेशन आपको देगा इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज द एसेंस ऑफ कंप्यूटिंग मीनिंग ऑफ कंप्यूटर द वर्ड कंप्यूटर हैज डिराइव फ्रॉम एन इंग्लिश वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट तो कंप्यूटर का मीनिंग क्या हो गया ये एक इंग्लिश वर्ड है जिसका पहले इसको लिया गया था कंप्यूट से जिसका मीनिंग है calculate. तो कैलकुलेट तो फिल इन द ब्लैंक्स या फिर कोई दूसरे क्वेश्चन में आ सकता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेस द इनपुट इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द गिट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल प्रोग्राम इसको भी लिख लेना तो वट इज अ प्रोग्राम कंप्यूटर इन इलेक्ट्रॉनिक विच प्रोसेज द इनपुट इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग कुछ जैसे इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं ठीक है तो उस, उसको वो प्रोसेस करेगा ठीक है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं है? है? प्रोग्राम ब्लाइस पास डेवलप द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन सिक्सटीन फोर्टी टू एडी विच इज कॉल्ड पासकेम्पॉर्टेंट है ब्लाइस पास ने क्या डेवलप किया था फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने इन्वेंट किया था ब्लाइस पास्कल 1642 एडी उसका नाम क्या था पास्कलिन ब्रिटिश साइंटिस्ट चार्ल्स बैबेज वाज द फर्स्ट पर्सन टू कंसीव एन ऑटोमेटिक कैलकुलेटर और ए कंप्यूटर इन 1833 तो उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहते हैं चार्ल्स बैबेज वाज द फर्स्ट पर्सन टू कंसीव एन ऑटोमेटिक कैलकुलेटर और ए कंप्यूटर इसका डेट कितना था 1833 और फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कब बनाया गया था 1642 फोर्टी टू द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम गोस टू लेडी एडा ऑगस्टा ए स्टूडेंट ऑफ बैबेज बैबेज के चार्ल्स बैबेज का जो स्टूडेंट है ठीक है लेडी आडा अगस्टा फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलपिंग द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम गोज टू लेडी आडा अगस्टा ठीक है इसका क्रेडिट किसको दिया गया था लेडी आडा अगस्टा इसको याद कर लेना कहीं दूसरे बुक में ना मिले हरमन होलोरिथ परहैज द इलेक्ट्रॉनिक टेबुलेशन मशीन इन प्रिपेयर्ड एन इलेक्ट्रॉनिक टेबुलेशन मशीन इन 1880 व्हिच वाज ऑटोमेटिकली फंक्शनल विद द हेल्प ऑफ पंच कार्ड तो हरमन होलोरिथ क्या बनाया था इलेक्ट्रॉनिक टेब्यूलेटिंग मशीन कब 1880 मतलब चार्ल्स बेबज जब कंप्यूटर बना लिया था 1833 के बाद तब हरमन हॉलरिथ ने क्या बनाया था इलेक्ट्रॉनिक टैबुलेटिंग मशीन हावर्ड एकिन डेवलप्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर तो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया था हावर्ड एकिन हावर्ड एकिन ने क्या बनाया था फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर उसका नाम क्या था मार्क 1 1937 1937 में फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया था हावर्ड एकिन जेपी पी एंड जॉन मॉशले इन्वेंटेड वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनएक वन इन नाइनटीन फोर्टी सिक्स किसने बनाया था जेपी एक एंड जॉन मॉशले एंड पेव द वे फॉर द फर्स्ट रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कैलकुलेटिंग मशीन और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक वेल्ब और वैक्यूम ट्यूब वॉज यूज एज अ स्विच इन द कंप्यूटर तो ये भी याद रखना वैक्यूम ट्यूब वॉज यूज एज अ स्विच इन द कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक वाल वॉज यूज एज अ स्विच इन द कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जॉन वैन न्यू मैन इन्वेंटेड एडवैक एडवैक का फुल फॉर्म क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर इन नाइनटीन फिफ्टी वन इन विच ही यूज स्टोर्ड प्रोग्राम द क्रेडिट ऑफ बाइनरी ऑफ़ क्रेडिट ऑफ यूजिंग बाइनरी सिस्टम इन कंप्यूटर ऑल्सो गोज टू हिम जो हम लोग जीरो एंड वन बाइनरी सिस्टम क्या है जीरो एंड वन ठीक है तो वो क्या कैसे आया या फिर कहाँ से आया तो एडवैक ठीक है जॉन वैन न्यूमैन ने जो इन्वेंट किया था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर तो उसमें बाइनरी सिस्टम यूज किया गया था ठीक है तो उसका पूरा क्रेडिट किसको जाएगा जॉन वैन न्यूमैन को डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड थर्स गेव ए राइट डायरेक्शन टू द कंप्यूटर रिवल्यूशन अब पढ़ते फाइव जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ठीक है ये इंपॉर्टेंट रहेगा तो फर्स्ट जेनरेशन में तो फर्स्ट जनरेशन पीरियड उसका कौन सा कौन सा था वो नाइनटीन फोर्टी से लेकर फर्स्ट जनरेशन था तो उसमें मेन कॉम्पोनेंट क्या थे तो उसमें हम लोग वैकम ट्यूब्स यूज करते थे या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेल्ब और मेन कंप्यूटर क्या क्या था उसमें एडसेक एडवेक एंड यूनिवेक जो वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ठीक है फिर सेकेंड जनरेशन में क्या, क्या यूज करते थे हम लोग ट्रांसिस्टर्स ये आप लोग को याद करना है ठीक है सेकेंड जनरेशन में क्या यूज करते थे थर्ड जनरेशन में क्या यूज करते थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स आई सी ठीक है तो 1952 से लेकर 1964 तक सेकेंड जनरेशन चलता रहा तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते थे ट्रांजिस्टर्स और यहाँ पे कंप्यूटर्स का नाम क्या क्या थे आई बी एम सेवन हंड्रेड आई बी एम वन फोर जीरो वन आई बी एम सिक्सटीन ट्वेंटी सी डी सी सिक्सटीन जीरो फोर सी डी सी थ्री थ्री हंड्रेड थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटलास इसको याद रखना है एटलास आई सी एल 1901 तो थर्ड जनरेशन में हम लोग क्या यूज करते थे और इसका क्या था 1964 से कौन -कौन था? IBM 360, IBM 370, 395, 1700, से से ले लेकर 1971 1971 इसमें कौन-कौन थे 360, 370, 395, 1700, 2903 में लेके चल रहा है ठीक है लार्जली इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया गया था तो इसके मेन कंप्यूटर्स क्या है एप्पल है डी सी एम है और जो फिफ्थ जेनरेशन कंप्यूटर है वहां पे हम लोग यूज किए करते हैं ए आई एंड ऑप्टिकल फाइबर ठीक है fiber, अभी हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में ठीक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द साइज एंड कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटी दीज आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर तो साइज एंड कैपेसिटी के कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किए माइक्रो कंप्यूटर पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर दिस कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स आल्सो कॉल्ड पीसी और पर्सनल कंप्यूटर दिस दिस पीसी लार्जली यूज फॉर डोमेस्टिक एंड ऑफिशियल पर्पजेस तो माइक्रो कंप्यूटर क्या हो गया पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर क्या हो गया पीसी या फिर पर्सनल कंप्यूटर ठीक है मीनी कंप्यूटर दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज कम्पेटिवलीस इज फाइव टू फिफ्टी टाइम्स मोर पावरफुल्प्यूटर तो पर्सनल कंप्यूटर से ऊपर कौन है मिनी कंप्यूटर दिस इज फाइव टू फिफ्टी टाइम्स मोर पावरफुल देन अ माइक्रो कंप्यूटर फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर दिज आर लार्ज साइज कंप्यूटर्स बाय टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग टेक्निक्स मेनी पीपल रेदर मोर देन हंड्रेड पीपल कैन वर्क एट द टाइम ऑन डिफरेंट टर्मिनल्स ऑफ दिस कंप्यूटर तो सौ से अधिक लोग इसमें काम कर सकते हैं एट द सेम टाइम तो उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर दीज आर वेरी पावरफुल्प्यूटर एंड हैव मोर स्टोरेज कैपेसिटी दीज आर द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द फास्टेस्ट कंप्यूटर तो मोस्ट एक्सपेंसिव एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन हो गया सुपर कंप्यूटर एबल टू प्रोसेस मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉब विदेरी हाई स्पीड उसके बाद कौन आता है क्वांटम कंप्यूटर

ये भी इंपॉर्टेंट है हम लोग क्या क्या लैंग्वेज यूज करते थे तो फर्स्ट जनरेशन में हम लोग यूज़ करते थे फोर्थ आई या फोर्थ ट्रन वन सेकेंड जनरेशन में हम लोग यूज़ करते थे फोर्थ ट्रन टू एलगोल कोबॉल एल्गोल सिक्सटी याद रखना इसको कोबॉल याद रखना एल आई एस पी थर्ड जनरेशन में हम लोग यूज़ करते थे पी एल एल्गोल एलगॉल सिक्सटी एट पासकल पासकल याद रखना सिमुला सिक्सटी सेवन ए पी एल एस एन ओ बॉल स्नो फिर फोर बेसिक सी ठीक है फोर बेसिक और सी याद रखने यहाँ पे थर्ड जनरेशन में हम लोग सी यूज कर रहे थे ठीक है फोर्थ जनरेशन में क्लू अल्फ्राड यूक्लिड रिफॉर्म पास्कल मॉड्यूला एला ऑरकल ऑरकल याद रखना है हैं यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में और फिफ्थ जनरेशन में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने लग गए सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर्स डिसंबर टू इज ऑब्जर्व एज कंप्यूटर लिटरेसी डे तो डिसंबर टू इज ऑब्जर्व एज कंप्यूटर लिटरेसी डे याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया हैज अनाउंस न्यू कंप्यूटर पॉलिसी इन 1984 तो न्यू कंप्यूटर पॉलिसी कब इंडिया ने दिया था वो दिया था 1984 को फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया इज सिद्धार्थ फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया पहला जो कंप्यूटर है जो इंडिया में बनाया गया था उसका नाम क्या था उसका नाम है सिद्धार्थ और उसको मैन्युफैक्चर किसने किया था इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया ठीक है फर्स्ट कंप्यूटर इंडिया वॉज इंस्टॉल्ड इन द मेन पोस्ट ऑफिस ऑफ बेंगलोर ऑन आगस्ट सिक्सटीन नाइनटीन एट्टी सिक्स इंस्टॉल ये बना चलो ये बना तो दिया अभी इंस्टॉल कहां पे किया था वो इंस्टॉल किया था मेन पोस्ट ऑफिस ऑफ बैंगलोर बेंगलोर में उसको इंस्टॉल किया गया था 16 अगस्त 1986 में फर्स्ट पॉल्यूशन फ्री कंप्यूटराइज पेट्रोल पंप ऑफ इंडिया इज इन मुंबई फर्स्ट पॉल्यूशन फ्री कंप्यूटराइज पेट्रोल पंप कहां पे है ऑफ इंडिया यह है मुंबई में फर्स्ट कंप्यूटर यूनिवर्सिटी इन प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया इज राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी तो पहला जो कंप्यूटर यूनिवर्सिटी है वो कौन है राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी बैंगलुरु इज ऑल्सो नोन एज द दिलिकन वैली ऑफ इंडिया चलो ठीक है ये एडिशनल सीखने मिल गया बैंगलुरु को क्या कहते हैं सिलकन वैली सिलिकन वैली क्यों कहते हैं सारा आईटी सेक्टर तो वहां पे ही है ना सारा आईटी सेक्टर जितना भी है कहां पे है बैंगलोर में ही है तो उसको क्या कहते हैं सिलिकन वैली ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडियन न्यूज पेपर टू बी अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज द हिंदू इंटरनेट में पहला न्यूज पेपर क्या था द हिंदू द फर्स्ट इंडियन मैगजीन टू बी अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज इंडिया टूडे तो पहला मैगजीन क्या था चलो न्यूज पेपर क्या था हिंदू मैगजीन क्या इंडिया टूडे ठीक है फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल पार्टी क्रिएटेड इट्स वेबसाइट ऑन इंटरनेट इज भारत जन जनता पार्टी बीजेपी बीजेपी ने अपना वॉज द फर्स्ट पोलिटिकल पार्टी जिसने अपना वेबसाइट क्रिएट किया था इंटरनेट पे, तो देखो बीजेपी बहुत एडवांस है मेनली तो तीन प्रकार के कंप्यूटर है एक डिजिटल एनालॉग और हाइब्रिड डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में इसको फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज क्रे के वन एस डेवलप बाई क्रे के कंपनी ऑफ यूएसए जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है ऑफ द वर्ल्ड उसका नाम क्या है क्रे के वन एस डीप ब्लू इज सुपर कंप्यूटर विच हैज डिफिटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव ऑफ दिस सुपर कंप्यूटर इज एबल टू डू वर्क इक्विवल टू द वर्क ऑफ थर्टी टू कंप्यूटर एंड कैन थिंक ट्वेंटी क्रोस स्टेप्स ऑफ चेस इन वन सेकेंड तो डीप ब्लू एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिस, जिसने किसको हराया वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैसपर ठीक है ट्वेंटी चेस इन वन सेकेंड एक सेकंड में ट्वेंटी स्टेप्स सोच सकता है आप अपना चाल चले उससे पहले यह सोच लेगा अच्छा ये देगा तो इसके पॉसिबिलिटीज कितने हो सकते हैं सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन द वर्ल्ड क्रे के किस के आई एस के एस यूएसए तो क्रे किसका है यूएसए का डीप ब्लू जो सुपर कंप्यूटर है वो आईबीएम को डेवलपीएम को यूएसए ब्लू जी आई बी एम को यूएसए कॉस्मोस कॉस्मोस बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है कॉस्मोस किसने बनाया था यूके ने बनाया था कहां पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज एन मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड इन पीसी विंडोज

जैसे हम लोग जितने स्मार्टफोन से वो एंड्रॉइड एंड्रॉइड ही है ठीक है लगभग जितने के भी है तो हाइस्ट नंबर ऑफ डिवाइस अक्रॉस द वर्ल्ड यूज मोस्ट सुपर कंप्यूटर यूज लिनक्स तो क्वेश्चन आ सकता है जो सुपर कंप्यूटर है वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रहता है विंडोज रहता है या लिनक्स रहता है तो आप लोग क्या करेंगे उसमें लिनक्स रहता है यूजनेट इज ए लिंक टू कनेक्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज ट इज ए लिंक टू कनेक्ट ऑल दून सारे यूनिवर्सिटीज को कॉन्सनेट जोड़ता है किसने लिखा था टेड नेल्सन ने वो बुक का नाम क्या है सोल ऑफ न्यू मेशीन प्लि प्राइस उसने जीता था तो टेड नेल्सन ने क्या लिखा था सोल ऑफ न्यू मशीन उसने जीता था प्लसर प्राइज फर्स्ट मैगजीन ऑन कंप्यूटर इज कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन जो कंप्यूटर के ऊपर पहला मैगजीन था उसका नाम क्या था कंप्यूटर एंड ऑटोमोशन फर्स्ट होम कंप्यूटर इज कॉमोडोर विक ट्वेंटी होम कंप्यूटर घर में यूज करने का कंप्यूटर कौन सा था कॉमोडोर विक ट्वेंटी फर्स्ट प्रैक्टिकल डिजिटल कंप्यूटर इज यूनिवैक तो यूनिवैक ये भी हो गया ठीक है फर्स्ट प्रैक्टिकल डिजिटल कंप्यूटर कौन हो गया यूनिवैक यूनिवेक इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो गया फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेज इज फोर्ट्रन ऑफ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ये हो गया प्रोलॉग जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो कौन सा लैंग्वेज यूज करता है प्रोलॉग आईसी चिप जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज करते हैं किसने डेवलप किया था उसने जे uh, एस ल बी जे किल बी डेवलप द आईसी चिप्स तो ये क्वेश्चन भी हम लोग को बहुत सारे एमसीक्यू में मिल चुका है ए कंप्यूटर एरर एरर इज़ बग ठीक है एरोग क्लोज या फिर क्या ऑप्शन में रहता है तो इसका आंसर हो गया बग ठीक है देखा कहां, -कहां से पॉइंट से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है एक साथ हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं तो मैं बताते जाऊंगा क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं सी टैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग वॉर एस्टेब्लिश इन पुणे सी टैक कहाँ पे पुणे में इन नाइनटीन एटी फोर एस्टैब्लिशन नाइनटीन एटी एटी एट ठीक है पुणे नाइनटीन एटी एट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया तो कुछ सुपर कंप्यूटर है ठीक है फ्लो सॉल्वर बेंगलोर पेस डीआरडीओ परम टेन थाउजेंड सीडेक पुणे चिप सिक्सटीन सी डॉट बैंगलोर मल्टी माइक्रो आई आई एस बैंगलोर मैक आई आई टी बॉम्बे और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया परम टेन थाउजेंड ठीक है सुपर कंप्यूटर परम टेन थाउजेंड हैविंग द कैपेसिटी ऑफ वन बिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड वॉज मेड बाय द साइंटिस्ट सी डेक पुणे ऑन मार्च ट्वेंटी एट नाइनटीन मेन क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ परम टेन थाउजेंड गोस टू डॉक्टर विजय पी भास्कर याद रखना है इसको ठीक है डॉक्टर विजय पी भास्कर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सी डेट पुणे नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरीज बैंगलोर वॉज फर्स्ट इन इंडिया टू डेवलप ए सुपर कंप्यूटर नेम फ्लो सोल्वर नेशनल एरोनोटिकल लैबोरेटरीज बेंगलोर वॉज द फर्स्ट इन इंडिया टू डेवलप सुपर कंप्यूटर नेम फ्लो सॉल्वर लेजर प्रिंटर आर द फास्टेस्ट प्रिंटर्स तो कौन सा प्रिंटर फास्टेस्ट होता है लेजर प्रिंटर्स ठीक है ये भी क्वेश्चन में बहुत सारे आ चुके हैं आई बी एम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इज एन अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी कंप्यूटर वायरस इज ए मैन मेड डिजिटल पैरासाइट विच करप्ट इनफेक्ट द फाइल नोन एज फाइल करप्टर तो कंप्यूटर वायरस कौन सा टाइप का पैरासाइट है इट्स ए डिजिटल पैरासाइट फाइल और उस फाइल का नाम क्या है फाइल करप्टर ठीक है इसको फाइल करप्टर करके याद करना है मॉडर्म इज अ डिवाइस विच कनेक्ट द कंप्यूटर एंड वर्क बेस्ड ऑन टेलीफोन लाइन मॉडर्म क्या है इज ए डिवाइस द कंप्यूटर एंड ए वर्क बेस्ड ऑन टेलीफोन लाइन वाइट ए टेक्निकल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द कैलेंडर डेट मंथ ईयर नोन एज मिलेनियम बर्ग डेट मंथ इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विदेंडर डेट मंथ ईयर एंड नोन एस मिले मतलब एक एर था द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड इन इंडिया सिंस नाइनटीन फिफ्टी फाइव तो कंप्यूटर डेवलपमेंट इंडिया में कब से शुरू हुआ नाइनटीन फिफ्टी फाइव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर वॉज डेवलप हैज डेवलप सिंप्यूटर विच इज स्मॉल पाम साइज टच स्क्रीन कंप्यूटर तो छोटे छोटे हाथ में रख के साइज कंप्यूटर को डेवलप किया था आईआईएस बेंगलोर ने उसका नाम क्या रख दिया था सिंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटरियम इन इंडिया इज इन बेंगलुरु कर्नाटका तो ज्यादा से ज्यादा अगर किसी कैंसर को बेंगलुरु में हुआ है ठीक है इसलिए उसका आई हब इसको बोला जाता है वेलानंद ऑफ तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला हैज बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट फुल्ली कंप्यूटराइज्ड विलेज ऑफ इंडिया फर्स्ट फुल्ली कंप्यूटराइज्ड विलेज ऑफ इंडिया किसको कहते हैं वेलानार्ड ऑफ तिरुवनंतपुरम एक डिस्ट्रिक्ट है केरला में ठीक है पीसी होम कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक एसेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर तो पीसी होम होम कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक ये सब कौन से टाइप के कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर सम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन माइक्रो कंप्यूटर सर माइक्रो कंप्यूटर में कौन से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं सी पी एम बैक ओ एस जो एप्पल में यूज करते हैं डॉस प्रो डॉस एम एस डॉस एम एस डॉस ने बहुत हो ने देखा होगा ठीक है पीसी डॉस जो नाइनटी एट में यूज करते थे एम एस डॉस ओके जेनिक्स विंडोज लिनक्स Linus Benedict Torvalds, creator and coordinator of the Unix-like operating system. Linux was born in Helsinki, Finland on December 28, 1969. Of September 17, 1991, Linus completed the first version of Linux. Linus completed the first version of Linux kab 7, September 17, 1991. He made the wisest decision. इन कंप ऑपरेटिंग सिस्टम हिस्ट्री बाय रिलीजिंग अंडर जनरल पब्लिक लाइसेंस देयर बाय मेकिंग इट ओपन एंड फ्री टू ऑल तो लीन फ्री है ठीक है ही इज वन ऑफ द पान एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर एंड देयर बाय चेंज द सॉफ्टवेयर मार्केट तो इस सबके लिए उसने फ्री रख दिया चलो सब लोग इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं ए कंप्यूटर में बी यूज टू कंट्रोल प्योरली मैकेनिकल एक्शन इट हैजू मेन पार्ट तो कंप्यूटर के अंदर क्या क्या मेन पार्ट है एक हो गया हार्डवेयर एक हो गया सॉफ्टवेयर ठीक है? अब हार्डवेयर के अंदर आते हैं। this, क्या क्या है इनपुट यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट पहले इनपुट यूनिट मतलब जिससे आप इंफॉर्मेशन देंगे फिर वो क्या करेगा प्रोसेस करेगा वो डेटा को फिर वो आपका आउटपुट देगा थ्रू स्क्रीन या फिर प्रिंटर ठीक है दीज आर द फिजिकल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दिस यूनिट्स कॉन्स्टिट्यूट द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर द कंप्यूटर हैज इज ओन इंटरनल लैंग्वेज द कंप्यूटर इज एसेंशियली मेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोन ऑल द कंपोन आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग एनी वन ऑफ द टू स्टेट्स इधर ए लो और ए जीरो वोल्ट और ए हाई फाइव वोल्ट तो एक कंप्यूटर का जो कॉम्पोन है उसका दो स्टेट रहता है तो वो अलग अलग वोल्ट पे काम करता है या तो वो जीरो वोल्ट बनाएगा नहीं तो वो पांच वोल्ट बनाएगा इट इज डिफिकल्ट टू टॉक ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ करेंट एंड वोल्टेज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन दे फॉर कंप्यूटर साइंटिस्ट यूज ए स्पेशल कन्वेंशन ए हाई इज सिंबल सिंबोलिकली रिप्रेजेंटेड बाय वन एंड रिप्रेजेंटेड बाय जीरो जो वन एंड जीरोज है ठीक है अन नोन एज बाइनरी डिजिट्स और इन शॉर्ट बिट्स द टर्म बाइनरी रिफर्स टू समथिंग दैट हैज टू पार्ट्स बाइनरी हम लोग कहते हैं ना बाइनरी लैंग्वेज जीरो एंड वन ठीक है तो जो हाई है हाई जो वन है ठीक है एक वन जब वो प्रोसेस करता है उसको कितना वॉल्ट लगता है फाइव वॉल्ट जब वो लो प्रोसेस करता है उसको कितना वॉल्ट लगता है जीरो वॉल्ट ओके तो दे आर नोन एज बाइनरी डिजिट्स और इन शॉर्ट बिट्स ठीक है हम लोग बोलते हैं ना कितने बिट्स का एट बिट्स ओके तो शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स को बिट्स कंप्यूटर ऑलवेज वर्क विद बिट्स दे डू नॉट अंडरस्टैंड एनी अदर फॉर्म तो कंप्यूटर बस जीरो वन ही समझता है कंप्यूटर साइंटिस्ट यूज कॉम्बिनेशन ऑफ एट बिट्स टेकन टूगेदर टू रिप्रेजेंट वेरियस सिंबल्स तो कोई भी सिंबल वो अगर यूज करते हैं तो उसमें कितने बिट्स लगते हैं एट बिट्स बिकॉज एवरी बीट कैन टेक वन ऑफ द टू पॉसिबल वैल्यूज द टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशन पॉसिबल कैन रिप्रेजेंट टू फिफ्टी सिक्स सिम्बल्स, तो एट बीट लेके वो कितने अलग अलग सिम्बल यूज कर सकते टू फिफ्टी सिक्स दस इज एनफिस इज एनाफ टू कवर आवर एंटायर रेंज ऑफ अल्फाबेट्स नंबर एंड अदर स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक डॉलर एट द रेट प्लस रुपीज एक्सेट्रा सच ए कम्बिनेशन ऑफ एट बीच इज कॉल ए बाइट एट तो बिट मिला के कितना होता है बाइट तो लार्ज नंबर किलोबाइट वन बाइट तो जैसे जैसे वर्ड्स बढ़ते जाएंगे ठीक है पैराग्राफ बनते जाएगा तो वैसे वैसे उसका साइज बढ़ता जाएगा है ना तो उसके लिए हम लोग क्या है जैसे साइज बढ़ते केबी अगर पैराग्राफ बहुत ज्यादा हो गया तो एम हो गया ठीक है अगर उसमें वीडियोज वगैरह डाल दिया तो जीगा जी हो गया एक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन यूजिंग मल्टीपल्स ऑफ एट टू ट्रीपी बीच तो एट को क्या लिख सकते हैं टू इंटू टू इंटू टू तो टू ट्रीप्री हो गया सिंस एट बीच आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन देर फॉर हायर यूनिट्स आर एक्सप्रेसिबल इन द मल्टीपल ऑफ टू क्यूब द पावर ऑफ टू क्लोजेस्ट टू ए किलो थाउजेंड इज टू दू वन जीरो आगे का जितना भी रहेगा ठीक so, है वन जीरो टू फोर के बी इक्वल्स टू वन एम बी ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे ठीक है मेगा बाइट इज यूज इन ए मोर कन्वेंशनल सेंस एन इज इक्वल टू वन मिलियन बाइट्स और थाउजेंड किलो तो थाउजेंड किलो मिलके मिलकर क्या करते हैं एम बी तो ये कहाँ से आए पावर ऑफ टू क्लोजेस्ट टू ए किलो मतलब मिला के कितना हो गया? 1024. तो उसको nearest to, क्या हो गया है. तो मेगाबाइट कितना हो गया थाउजेंड किलो बाएट. तो एग्जैक्ट अगर ऑप्शन में रहेगा वन जीरो टू फोर तो तुमको वन जीरो टू फोर क्लिक करना है तो मिलियन किलोबाइट्स थाउजेंड एम बी बन के क्या बनता है वन जी बी द अर्लियस्ट कंप्यूटर्स वेयर डिजाइन सो दैट देवर कंपोनेंट्स कुड वर्क विथ एट बीट एट अ टाइम वायर द अर्लियस्ट मशीन्स वेयर एट बीट मेशीन्स कॉन्टेपरिरी कंप्यूटर कैन वर्क विथ सिक्सटीन थर्टी टू एंड इवन सिक्सटी फोर बीट दिस इज कॉल्ड द डेटा विद ऑफ द कंप्यूटर तो डेटा विथ ठीक है ये इंपॉर्टेंट है ये कोई एमसीक्यू में आ चुका है डेटा विथ ऑफ द कंप्यूटर क्या क्या हो सकता है एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर इसका मल्टीपल है है ना एट एट टू जिक्सटीन सिक्सटीन टू जा थर्टी टू थर्टी टू जिक्सटी फोर तुमको यहां पे अगर यहां पे लिख दिया वन टू एट ठीक है तो वो गलत हो जाएगा एंड इवन सिक्सटी फोर बिट्स तो ये सारे बिट्स है जिसमें जिसको कहता है डेटा विथ ऑफ द कंप्यूटर जो भी यूनिट्स है ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस यूनिट को रट लो 4 बिट बन के क्या बनता है 1 निबल 2 निबल जिसको 8 बिट कहते हैं उसको वो बनता है 1 बाइट मतलब 8 बिट मिला के 1 बाइट बनता है और 2 निबल मिला के भी 1 बनता है क्यों 2 निबल मतलब 4 टू द 8 बिट ओके तो 8 बिट बन के 1 बाइट बनता है फिर 1024 बाइट मिला के 1 केबी बनता है 1024 केबी मिला के 1 एमबी बनता है एम बीक्वल टू वन जीबी वन जीरो टू फोर जीबीस टू टेराबाइट यहाँ से इंपॉर्टेंट आ गया वन जीरो टू फोर जीबी क्या हो गया बाइट तो वन टेरा वन जीरो पैटाबाइट ठीक है ये क्वेश्चन आ सकता है 1024 TB मिला के क्या होता है द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैन सिग्नल ए वन और जीरो इज कॉल्ड ए फ्लिप फ्लॉप तो फ्लिप फ्लॉप्स क्या होता है

ठीक है तो वो किसे डिनोट करता है फ्लिप फ्लॉप से मॉडर्न कंप्यूटर यूजेस अ वेरी टाइनी सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप नोन एज रजिस्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रजिस्टर इज दैट द बाइनरी डिजिट्स कैन बी स्टोर्ड इन दैम यूजिंग सर्टेन वोल्टेजेस तो बाइनरी डिजिट्स हम लोग वहां पे स्टोर कर सकते हैं यूजिंग सर्टेन वोल्टेजेस द एंटायर इंडिपेंडेंट सर्किट्स कैन बी डिजाइंड ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ ए सेमीकंडक्टर मटेरियल मेटेरियल लाइक सिलीकन ये सर्किट है उसको हम लोग डिजाइन कर सकते हैं छोटा सा सेमीकंडक्टर के ऊपर ठीक है मतलब सिलिकॉन के ऊपर हम लोग इसको डिजाइन कर सकता है आईसी को ठीक है सिलिकॉन इज ऑप्टेन फ्रॉम सैंड एंड इज ए पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये याद रखना है सिलिकॉन कहाँ से आता है सैंड से आता है एंड इज अ पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट बाय केमिकल प्रोसेस द सर्फेस ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए सिलिकॉन चिप आर मॉडिफाइड टू गिव इट इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटीज सच सर्किट्स आर कॉल्ड आईसी तो आईसी क्या होता है सिलिकॉन तो बनता है सैंड एंड पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। बट केमिकली इसको ऐसा बनाया जाता है ठीक है जो अंदर अंदर ही देखना कि ऐसे ऐसे तार लगा रहता है ठीक है अंदर अंदर ही इसको कनेक्ट किया जाता है एंड इट इट हैज कैपेबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग ओके Such miniature, miniature circuits are called integrated circuits (IC). By 1971, engineers were able to put a few components, switches, necessary to build a complete computer, on single chip of silicon. This tiny silicon chip was called the microprocessor. ठीक है, तो बहुत सारा चिप मिला के उन्होंने एक बोर्ड बनाया था, जिसको उन लोग क्या कहते थे माइक्रोप्रोसेसर. तो माइक्रोप्रोसेसर पहले कब बनाया गया था 1971 में? टाइनी सिलिकन चिप इसको उसको मिला के उसको बनाया था माइक्रो प्रोसेसर बिकॉज कंप्यूटर इज बाइनरी मशीन इट परेशनरीर टू दिस्टम वेर वी यूज टेन डिजिट्स जीरो टू नाइन टू रिप्रेजेंट ऑल न्यूमेरिकल वेल्यूज दिफरेंस इन दूम नंबर ऑफ डिजिट यूज द कंप्यूटर कन्वर्ट्स ऑल डेसिमल नंबर इन बाइनरी तो कंप्यूटर क्या करता है जितने भी डेसिमल नंबर है वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देता है और कॉम्बिनेशन ऑफ बीट्स में जीरो एंड वन देन बाय एक्टिंग अपॉन इंडिविजुअल बीट्स इट कैन परफॉर्म द रिक्वायर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन एट्सेट्रा तो वो जो भी हम लोग लैंग्वेज में इसको इनपुट देते हैं वो अपना बाइनरी लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर लेता है फिर हम लोग का आउटपुट दे देता है द इंटरनल सर्किट दैट कैन परफॉर्म मैथामेटिकल ऑपरेशन ऑन बीट्स आर यूज आर मेड ऑफ टू मोर और लॉजिक गेट्स जो आईसी बनता है वो परफॉर्म कर सकता है मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बीट्स ठीक है दो या ज्यादा लॉजिक गेट्स यूज करते हैं उसमें लॉजिक गेचर कॉम्पोनेंट्स दैट जनरेट वन और जीरो डिपेंडिंग ऑन द इनपुट तो लॉजिक गेट क्या हो गया या तो वन बनेगा नहीं तो जीरो बनेगा द्री बेसिक लॉजिक गेचर एंड और नॉट इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू में आ चुका है ठीक है अगर पूछे कि नॉर ठीक है ये लॉजिक गेट है क्या तो ये लॉजिक गेट नहीं है ठीक है लॉजिक गेट क्या क्या है एंड और नॉट ये हो गया लॉजिक गेट्स एंड और नॉट द कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज इन टू थ्री बेसिक यूनिट्स सीपी यू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एम यू मेमोरी यूनिट आई ओ यू इनपुट आउटपुट यूनिट तो सीपी क्या होता है एस इज़ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स द मेन फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग द मेमोरी यूनिट स्टोर डेटा द कंप्यूटर सप्लाइज प्रोसेस इन्फॉर्मेशन बैक टू द यूजर्स यूजिंग स्पेशल आउटपुट डिवाइसेस तो जैसे हम लोग को इनपुट देते हैं तो सी पी यू क्या करता है उसको तो तो प्रोसेस करके हम लोग को इंफॉर्मेशन बैक कर देता है द सी पी यू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहते हैं सीपीयू को सीपीयू को क्या कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इट मेक्स ऑल द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग डेटा द सीपीयू कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स तो सीपीयू के अंदर क्या क्या है ए एल यू सी यू रजिस्टर्स ए एल यू क्या हो गया एरेथमेथिक एंड लॉजिक यूनिट ए एल यू परफॉर्मस ऑल द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द इन्फॉर्मेशन सप्लाई टू द कंप्यूटर सी यू क्या हो गया कंट्रोल यूनिट इट दिस यूनिट डिरेक्ट द वर्किंग ऑफ द सीपीस इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम फ्रॉम द मेमरी एंड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द ए एल यू एंड अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर रजिस्टर्स क्या हो गया आर स्टोरेज लोकेशन दैट होल्ड इंस्ट्रक्शन और डेटा वाइल द सी पी यूज यूजिंग दैम जब सीपीयू रन करता है ये क्या करता है उसका इन्फॉर्मेशन है ना उसको स्टोर करके रख देता है जैसे राम क्या करता है

you need holds instruction and in data before or after the cpu processes this main attributes of the cpu data width it refers to the number of bits of data that can be manipulated within the cpu or, a, or cpu at one given time the data width of the computer is also called its word size तो डेटा विथ को भी क्या कह सकते हैं वर्ड साइज कह सकते हैं द कंप्यूटर हैव डेटा डेटा रेंजिंग फ्रॉम टू बिट्स याद रखो है कहां से कहां तक होता है एट से सिक्सटी फोर बिट्स द हायर डेटा विथ मीन्स ऑफ प्रोसेसिंग डेटा फास्टर तो जितना डेटा विथ रहेगा उतना फास्ट रहेगा कंप्यूटर द सीपी विथ ए हायर डेटा विथ इज मोर पावरफुल एड्रेस रेंज एड्रेस रेंज रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट कैन बी डायरेक्टली रेड और रिटर्न बाय द सीपीयू क्लॉक स्पीड क्लॉक स्पीड इस पे ध्यान देना द स्पीड ऑफ द सीपीयू पी यू इज नोन एज द क्लॉक स्पीड तो स्पीड सीपीयू का जो स्पीड है उसको हम लोग क्या कहते हैं क्लॉक स्पीड द कंप्यूटर इज एसेंशियली कंपोज ऑफ टाइनी डिवाइसेज दैट कैन बी पुट ऑन और ऑफ टू इंडिकेट वन और जीरो एट एनी मोमेंट सेवन थाउजेंड सर्च डिवाइजेज चेंज देअर स्टेट टू सिंक्रोनाइज द चेंज ऑफ ऑल दिस कंपनी इंटरनल क्लॉक एक इंटरनल क्लॉक रहता है तो सबको सिंक्रोनाइज करते हैं सिंक्रोनाइज का मतलब क्या करते हैं एकजुट कर देता है ठीक है अच्छा इसका इंफॉर्मेशन मिस है इसका इंफॉर्मेशन मिस है इसका इंफॉर्मेशन मिस है तो सबको अच्छा सबको ये इंफॉर्मेशन देना है तो उसको सिंक्रोनाइज कर देते हैं विथ एवरी टिक ऑफ द क्लॉक ऑल स्विचेस दैट नीड्स टू चेंज इशन डू शो इन परफेक्ट हारमोनी मतलब जैसे एक क्लॉक टिक किया तो जो जो काम है वो सब एक ही टाइम में कर रहे हैं द लार्जस्ट नंबर ऑफ टिक्स पर सेकेंड द फास्टर्स इज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर जितने टिक्स होंगे पर सेकेंड उतना ही ज्यादा स्पीड होगा द टिक्स पर सेकेंड ऑफ इंटरनल क्लॉक आर मेजर्ड इन मेगा हर्ट एंड जीगा हर्ट्स हर्ट्स इज एनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी वन मेगा हर्ट कल टू वन मिलियन टिक्स पर सेकेंड ट हायर द क्लॉक स्पीड फास्ट द कंप्यूटर अभी देखना कंप्यूटर में तुम्हारा लिखा रहेगा टू पॉइंट थ्री जी एच जैड फिर उसमें साइड में लिखा बूस्ट बूस्ट अप टू थ्री पॉइंट वन जी एच जैट तो ये क्या हो गया फास्ट कितना तुम्हारा उसका क्लॉक स्पीड किया है ठीक है मेमोरी यूनिट एम यू मेमोरी यूनिट स्टोर्स ऑल इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फॉर द सी पी यू द मेमोरी यूनिट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम द स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज मेमोरी मेमोरी यूनिट कैन रिसीव डेटा होल्ड इट एंड डिलीवर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट मेमोरी इज ऑफ टू काइंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी तो मेमोरी दो तरह का हो सकता है या तो प्राइमरी होगा या तो सेकेंडरी होगा ठीक है तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है इट इज ऑफन एन रेफर्ड टू एज द वर्किंग मेमोरी ऑफ द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इट इज ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा एट ए वेरी हाई स्पीड इट इज टेम्पोरिरी इन नेचर तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है टेम्पोर इन नेचर दैट इज डेटा स्टोर इन प्राइमरी स्विच ऑफ सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉलेटाइल जो टेम्पोररी होता है वो क्या होता है वॉलेटाइल होता है जो so टेम्पोररी होता है वो क्या होता है, है. So है वॉलेटाइल ठीक है उसको याद रखना है प्राइमरी मेमोरी आर टेम्पोरी मेमोरी आर मेमोरी एग्जाम्पल हो गया राम तो राम इज ए वॉलरटाइल मेमोरी टेम्पोररी मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी ये तीनों सारा पॉइंट याद रखना है प्राइमरी मेमोरी आर डायरेक्टेड एक्सेसिबल टू द सीपी यू इट मस्ट बी एबल टू प्रोवाइड डेटा वेरी क्विकली तो जैसे कोई काम कर रहे हैं हम लोग ठीक है जैसे कोई डेटा लॉस हो गया रिस्टार्ट हो गया ठीक है तो ये रैम है ना थोड़ा टाइम के लिए डेटा को स्टोर करके रखेगा जैसे सीपी उसको मांगेगा तो ये रैम इसको दे देगा टू बेसिक काइंड ऑफ प्राइमरी मेमोरी आर द रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड द रीड ओनली मेमोरी तो प्राइमरी मेमोरी क्या हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ऑनली मेमोरी अभी ये इंपॉर्टेंट है द रैम इज अ रीड एंड राइट मेमोरी तो रैम क्या है रीड एंड राइट मेमोरी और रोम क्या है रीड ओनली मेमोरी

रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल एंड रिटेन्स इन इंफॉर्मेशन इवन आफ्टर द पॉवर इज टर्न ऑफ तो ये क्या हो गया परमानेंट हो गया इज ए नॉन वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल मतलब क्या परमानेंट हो गया द प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हाउ एवर हैज एन ऑप्शन ऑफ बींग प्रोग्राम दैट इज द मैन्युफैक्चर द कंप्यूटर मे चूज टू लोड ए प्रोग्राम डिजाइन बाय कंपनी इन टू दिस प्रोम एंड देन द कंप्यूटर वु यूज दिस प्रॉम लाइक एनी अदर रोम तो कभी कभी रोम की जगह प्रॉम भी डाल देते हैं तो उसमें हम लोग कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हैं अभी आ, जा, आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी तो प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी में क्या हो गया रैम रोम अभी सेकेंडरी मेमोरी में क्या आ जाता है इट इज यूज टू स्टोर डेटा फॉर अ लॉन्ग टर्म इट ऑपरेट्स एज एट ए मच स्लोअर रेट देन प्राइमरी मेमोरी तो ये प्राइमरी मेमोरी से स्लो है सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट ये क्या हो गया परमानेंट इन नेचर सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल परमानेंट मतलब क्या होता है नॉन वॉलेटाइल परमानेंट मतलब नॉन वॉलेटाइल टेम्पररी मतलब वॉलेटाइल टेम्पररी का एग्जाम्पल रैम ठीक है ऐसे याद करना इट इज ऑल्सो चीपर देन द प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी फास्ट बट एक्सपेंसिव टू रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट कंप्यूटर्स ऑल्सो यूज सेकेंडरी मेमोरी तो अभी सब कुछ तो रोम के अंदर नहीं रख सकते ना तो इसलिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी यूज करते हैं जैसे हम लोग कोई आ, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो वो कहाँ पे जाएगा वो जाता है स्टोरेज प्राइमरी जो सेकेंडरी जो मेमोरी रहता है हार्ड ड्राइव या फिर कहीं पे वहां पे हम लोग स्टोर करके रखते हैं तो कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी क्या क्या हो गया फ्लॉपी डिस्केट हार्ड ड्राइव हार्ड डिस्क मैग्नेटिक टेप्स सी डीजी डीज मेमोरी कार्ड्स यूएसबी स्टिक्स ये सब क्या हो गया ये सब सारा एग्जाम्पल ऑफ किसका है सेकेंडरी मेमोरी इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द सी पी यू इन्फॉर्मेशन इज मूव फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू द प्राइमरी मेमोरी फर्स्ट एंड देन टू द सी पी यू हम ऐसा करते हैं ना डायरेक्टली इसको क्लिक कर दिया ओपन हो गया ऐसा नहीं होता है पहले ये जो इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी मेमोरी में है वो पहले जाएगा प्राइमरी मेमोरी में उसके बाद कंप्यूटर खोलेगा उसको फ्लॉपी डिस्कट इज ए प्लास्टिक विद मैग्नेटिक मेटेरियल ये भी एक बार कहीं पे आया हुआ था वट इज एक्टिक डिस्कटेड विद डैश मैटेरियल तो इसके हो गया मैग्नेटिक मेटेरियल स्पेशल डिवाइस नोन एज डिस्क ड्राइव आर केपेबल ऑफ रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग टू फ्लॉपिज यूजिंग स्पेशल मैग्नेटिक हेड स्पेशल डिवाइस नोन एज द डिस्क ड्राइव्स आर केपेबल ऑफ रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग टू फ्लॉपीस यूजिंग स्पेशल मैग्नेटिकनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑनॉपी डिस्कट कैन बी डिरेक्टली एक्सेस द मैग्नेटिक्स आर लॉन्ग प्लास्टिक टेप्स कोटेड विथ मैग्नेटिक मेटीरियल मैग्नेटिक टेप में क्या होता है लॉन्ग प्लास्टिक टेप्स है जिसके ऊपर मैग्नेटिक मेटेरियल से कोट रहता है मैग्नेटिक टेप्स कैन स्टोर फार लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा दैन द फ्लॉपी डिस्किट्स बट ए प्रॉब्लम विद द मैग्नेटिक टेप इज दैट द इनफॉर्मेशन कैनॉट बी एक्सेस डिरेक्टली एज इन द केस ऑफ फ्लॉपी डिस्किट तो फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली हम लोग एक्सेस कर सकते थे मैग्नेटिक टेप्स में क्या हो गया हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते द थर्ड टाइप ऑफ मीडियम कॉल फिक्स्ड और हार्ड डिस्क आर मोर और लेस सिमिलर टू द फ्लॉपी डिस्क बट वन हार्ड डिस्क ड्राइव कॉन्टेंट सेवरल डिस्क ऑफ ए हार्ड मेटेरियल तो वन हार्ड डिस्क ड्राइव कॉन्टेंट सेवरल डिस्क ऑफ ए हार्ड मेटेरियल प्रपर्टीज ऑफ लाइट इज यूज फॉर द मीडियम टू परफॉर्म इट्स बेसिक फंक्शन ऑप्टिकल मीडियम क्या हो गया तो सी डी के ऊपर ना एक लाइट यूज किया जाता है ठीक है जहां से उसका जो आ, जैसे सीडी के अंदर ऐसे दिखाया रहेगा ठीक है बहुत सारा कलरफुल अगर तुम बेंड करके देखते हो तो अगर लाइट दिया जाएगा ना इसको रीड करता है फिर सीडी ऐसे रीड करता है कन्वेंशनल सीडीज आर मेड ऑफ़ ए स्पेशल काइंड ऑफ प्लास्टिक द सीडी इज रेड यूजिंग ए लेज़र बीम तो सीडी को हम लोग किस से पढ़ते हैं यूजिंग ए लेज़र बीम लेज़र से हम लोग उस पर यूज़ करते हैं लेज़र लाइट ठीक है light, तो उसके बाद वो ऐसे घूमता रहेगा और सीडी चलता रहेगा या फिर गाना होगा इसमें या फिर कोई डेटा होगा वो रीड करेगा सेकेंडरी मेमोरी इज मच स्लोअर बट इट इज़ नॉन वॉलेटाइल एंड कैन बी यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम एक स्लो है नॉन वोलेटाइल है और इन्फॉर्मेशन बहुत लंबे समय तक हम लोग यूज कर, कर सकते हैं डीवीडी ड्राइव इज अनदर ऑप्टिकल ड्राइव विच इज सेम इन साइज एज सी डीज बट इज हायर इन स्टोरेज कैपेसिटी USB flash drive also known as USB stick USB flash memory etc physically much smaller than optical drives with high storage capacity and are removable and rewritable in nature SD and micro SD cards are very small in size but very high in capacity SD देखा होगा जो फोन में लगता है ना micro SD ठीक है जो कैमरा वगैरह में यूज करते हैं और very small in size but very high in capacity छोटा सा ऐसा रहेगा है ना ऐसा कुछ रहता है तो एस डी माइक्रो एस डी ऐसा रहेगा तो इसमें वन जितना भी होगा ठीक है जितना डेवलप कर सकते वन टीबी तक हो सकता है या फिर जितना अभी तक आ चुका है इनपुट आउटपुट देयर हैज टू बी अ फिजिकल चैनल दैट परमिट्स यूजर्स टू सप्लाई इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर इनपुट आउटपुट देयर शुड बी अ फिजिकल चैनल टू द परमिट्स यूजर्स टू सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर है ना तो पहले कुछ तो इनपुट तो देना होगा ना उसके बाद वो प्रोसेस करेगा तभी तो आउटपुट दे पाएगा है ना डिवाइसिज दैट परमिट्स यूजर्स टू सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस जिससे हम लोग इन्फॉर्मेशन uh, देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस एनेबल्स अस टू एंटर और इनपुट डेटा इनटू टू ए कंप्यूटर द कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड और माउस तो हम लोग इनपुट किससे देते हैं या फिर कीबोर्ड uh, से देते हैं और या फिर माउस से देते हैं Similarly, a physical channel that permits a computer to convey the processed information to the outside world devices such uh, permits such a functional called output device. जैसे process हो गया और जैसे कोई output दे, जैसे ये मैं line draw कर रहा हूँ, ठीक है? ये मैं draw कर रहा हूँ mouse से और ये जो line दिख रहा है वो output है, ठीक है? तो इसको mouse तो mouse क्या हो गया output device? Sorry, तो ये screen क्या हो गया output device, ठीक है? आउटपुट यूनिट एनिमल्स द कंप्यूटर टू शो आज द रिजल्ट एंड द इन्फॉर्मेशन दैट वी वांट द कॉमन आउटपुट डिवाइस आर मॉनिटर प्रिंटर एंड स्पीकर तो आउटपुट डिवाइस क्या हो गया मॉनिटर प्रिंटर एंड स्पीकर और एक एमसीक्यू में हम लोग को पूछा गया था टच स्क्रीन क्या है टच स्क्रीन क्या होता है इनपुट भी है इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है तो वो सेमी है सेमी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया ठीक है टच स्क्रीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर इनडिसबल बट आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सीपीयू दे दे आर आल्सो कॉल्ड डिवाइसेस सजेस्ट दैट ऑन द ऑफ द सीपीयू तो जैसे इन माउस हो गया ठीक है बिना सीपीयू का कोई काम कर सकता है क्या नहीं तो आर इंडिस में बट आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सीपीयू दे आर कॉल्ड पेरिफेरियल डिवाइसेस क्यों दे लाइ ऑन द दैरिफेरी ऑफ द सीपीयू उसके ऊपर डिपेंडेंट है ठीक है ये एक सीपी का पार्ट नहीं है दिस डिवाइस एल्सो कॉल्ड कॉल्ड एंड इंटरफेस बिकॉज दे ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन फॉर मैन एंड मशीन तो जैसे ये माउस से हम लोग काम कर रहे हैं तो इसको क्या था? एक इंटरफेस कहेंगे मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस यूज इन कॉन्टेम्पररी कंप्यूटर इज द की बोर्ड तो सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है कंप्यूटर में माउस या की बोर्ड तो हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कीबोर्ड तो ये भी एम सी क्यू में आ चुका है ठीक है अनदर वे टू इनपुट इन्फॉर्मेशन इन टू ए कम्प्यूटर इज टू यूज एन ऑप्टिकल मार्क रीडर ओ एम आर ऑप्टिकल मार्क रीडर आर कैपेबल ऑफ रीडिंग स्पेशल प्रिपेयर फॉर्म्स दिस फॉर्म्स हैव द प्रोविजन्स फॉर ब्लैक मार्क्स टू बी मेड यूजिंग द पेन और ए पेंसिल इन ए स्पेसिफिक पोर्सन जैसे ओ एम आर ये भी रीड करता है ठीक है ऐसा लाइन रहेगा तो ये एक बार कोड रहेगा तो ओ एम आर इसको भी रीड कर सकता है

द एम आई सी आर पासेस ओवर द वर्ड्स और कैरेक्टर्स एग्जाम इज द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाई द कैरेक्टर एंड इज दर्स एबल टू रिकोगनाइज इट तो बैंकलॉ क्या यूज करते हैं एम आई सी आर बार कोड्स इमेड ऑन प्रोडक्ट इन मर्चेंडाइज स्टोर्स ए बार कोड कंसिस्ट ऑफ सेवरल पैरलेल वर्टिकल्स लाइन ऑफ डिफरेंट थिकनेस दैट रिप्रेजेंट दी डिजीज तो ये क्या हो गया बार कोड ऐसा रहेगा ठीक है कॉपी बुक्स वगैरह में सब में रहता है आजकल में जो यूज कर रहे हैं ए बीट्स फ्रॉम ए कोड दैट कैन बी बीज टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट ऑन विच द बार कोड इज इमेड रीडर इज यूज टू रीड द बार कोड्स बाय डिटेक्टिंग द बार्स बाय यूजिंग लाइट्स द बार कोड रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन लाइक द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इज डेट ऑफ एक्सपायरी एक्सेट्रा मेन्यू ड्रिवेंट प्रोग्राम वेर दूजर्स सीज द होस्ट ऑफ द स्क्रीन ऑन स्क्रीन चॉइस अंदर इनपुट डिवाइस कॉल द माउस तो कभी कभी हम लोग बारकोट की माउस भी यूज करते हैं द माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस इट कैन बी ग्रिप्ड इन द पाम ऑफ द हैंड एंड मूव ओवर अराइजेंटल सरफेस द मोशन ऑफ द माउस कैन बी मोनिटर बाय द कंप्यूटर इन डिफरेंट वेज जैसे अभी मैं किससे यूज हैंडल कर रहा हूं माउस से द मूवमेंट इज मेजर्ड एंड ट्रांसमिटेड टू द कंप्यूटर दिस जनरेशन जेनरेट्स करस्पॉन्डिंग मूवमेंट्स ऑफ ऑन और ऑन स्क्रीन मार्कर कॉल्ड ए कर्सर फ्रॉम वन पॉइंट टू दू ये दिख रहे हैं ना पेन की तरह तो ये क्या हो गया ये कर्सर हो गया द सेलेक्ट टू सेलेक्ट एन ऑप्शन दूजर्स ऑफ द माउस बटन अंदर इनपुट डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा ए डिजिटल कैमरा इज अट ए सर्किट दैट इज सेंटिव टू लाइट द टू मोस्ट कॉमन डिवाइसिस आर द विजल डिस्प्ले यूनिट विडी यू एंड द प्रिंटर एक हो गया वीडियो और दूसरा हो गया प्रिंटर विजुअल डिस्प्ले यूनिट यूजेस डिस्प्ले तो इंफॉर्मेशन ये लोग क्या यूज करते हैं कैथोड रे ट्यूब इसको याद रखना वीडियो क्या यूज करता है टू तो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन रे ट्यूब टू तो रिप्रेजेंट एनी कैरेक्टर विडियो इलिमिनेट्स ए पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ दिस डॉट दिस डॉट्स आर ऑल्सो नोन एज पिक्सल्स ए शॉर्ट फ्रॉम फॉर पिक्चर एलिमेंट्स Printers print characters on paper or other similar medium. Printers come in 3 popular versions dot matrix printer inkjet printer and laser printers. Dot matrix printers print characters in the form of combination of very tiny dots. The printing head aligns its pinch to match a particular pattern of dots. Inkjet printers spray jets of ink on the paper to print any character. द कैरेक्टर एप्सुलटली स्मूथ एज इंक इज स्प्रेड ऑन दूस फ्लो इंक जेट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ठीक है फिर आ गया लेजर प्रिंटर्स यूजेस ए लेजर बिम टू एक्चुअली बर्न द कैरेक्टर ऑन द पेपर तो क्या करता है लेजर क्या करता है एक्चुअली बर्न करता है ठीक है द कैरेक्टर्स ऑन द पेपर नी डेटाउ सी प्रोग्राम तो प्रोग्राम क्या हो गया एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन देना होता है ट्रू ऑपरेट ठीक है अपॉन एनी डेटा ठीक है तो सच एक उस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे हम लोग कहेंगे प्रोग्राम ए प्रोग्राम में डिरेक्टली बी रिटर्न टू द रैम और मे बी स्टोर्ड इन समॉर्म ऑफ सेकेंडरी मेमोरी तो जो प्रोग्राम है वो डिरेक्टली रैम तक जाएगा या फिर कहीं पे सेकेंडरी मेमोरी पे, पे स्टोर्ड हो जाएगा इट मे भी ट्रांसफर फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू द रैम एज वेन रिक्वायर्ड तो फिर से वो सेकेंडरी मेमोरी जब भी उसको चाहिए रैम में, में, में ले लेगा फिर ठीक है फिर सीपीयू उसको एक्जीक्यूट करेगा एक्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम मीन्स दैट डेटा इज मूव अराउंड इन दीपीयू अकॉर्डिंग टू ए वेल डिटेल सिक्वेंस बाय द प्रोग्राम मतलब जैसे सेकेंडरी में है ठीक है वो कौन ले लेगा रैम में आ जाएगा जब भी उसको काम चाहिएगा तो रैम ले लेगा और रैम सी पी यू क्या है सीपी यू क्या कहता है बताए वो मास्टर है सीपी यू इंस्ट्रक्शन देगा उसका मिनिस्टर को मिनिस्टर बोलेगा देखो मुझे जब भी इंफॉर्मेशन चाहिए तुम्हारे पास रहना चाहिए तो जैसे ही कोई एक काम खुलेगा प्रोग्राम खुलेगा तो रैम क्या है? उसके पास तो सारा डिटेल्स नहीं रहता है तुरंत हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज में सेकेंडरी स्टोरेज से वो लेके आएगा सारा डिटेल्स और अपने पास रखेगा जब तक ये काम खत्म नहीं हो जाएगा नहीं तो ये गुस्सा आ जाएगा ठीक है सी गुस्सा आ जाएगा तो इसलिए क्या करेगा रैम सारा उसका डेटा रख देगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा और ख़त्म होने के बाद भी कुछ समय तक वो रखेगा ताकि राजा फिर से उसको बुला ना ले ठीक है उसके पास रहना चाहिए तो जैसे दिखेगा अच्छा ठीक है अभी नहीं रखना है तो छोड़ दो

लेवल लैंग्वेज क्या क्या होगा सी सी प्लस जाबा फोर्ट रन अभी सॉफ्टवेयर क्या हो गया आर सेट ऑफ प्रोग्राम्स द सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स एंड मेक देम ऑपरेशनल द अदर अदरवाइज इज गवर्न द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम अभी देखो तुमने सीपीयू खरीद के रख दिया पर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसको चलाएंगे कैसे ठीक है माउस एक लगा के रखा हुआ है पर माउस और इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है कोई एक सॉफ्टवेयर चाहिए ना इसको लोड करने के लिए अच्छा ये माउस है तुम्हारा इसको ये दबाने से लेफ्ट क्लिक दबाने से तुम्हारा ये चलेगा राइट क्लिक दबाने से ये चलेगा तो एक कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए तो अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो तब भी पूरा हार्डवेयर बेकार है सॉफ्टवेयर इज जनरल टर्म यूज फॉर ऑल कंप्यूटर्स प्रोग्राम दिस डिस्टिंग्विशेस प्रोग्राम फ्रॉम द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हिच आर कलेक्टिवली कॉल्ड द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जनरल डिवाइडेड इनटू टू टू काइंड ऑफ प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम सिस्टम प्रोग्राम तो सॉफ्टवेयर दो तरीके का हो सकता है या फिर एप्लीकेशन हो सकता है या फिर सिस्टम प्रोग्राम हो सकता है एप्लीकेशन प्रोग्राम आर प्रोग्राम दैट परमिट द कंप्यूटर टू बी यूज एज अ टूल फॉर सम स्पेसिफिक टास्क जैसे कोई कैलकुलेटर एक मान लो एप्लीकेशन प्रोग्राम है तो ये क्या करता है कैलकुलेशन करेगा कोई गेम हो गया एप्लीकेशन प्रोग्राम ठीक है द कॉमन टर्म यूज फॉर द स्पेशल टेक्स्ट एडिटर इज वर्ड प्रोसेसर स्पेशल टेक्स्ट एडिटर उसको हम लोग क्या कहते हैं वर्ड प्रोसेसर अनदर पॉपुलर टाइप ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम इज द डेटा बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस और एक पॉपुलर टाइप ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या हो गया डीबीएमएस द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम प्रोग्राम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम प्रोग्राम क्या हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम उसका बिना तो इसका चलेगा ही नहीं ठीक है ऑपरेशन सिस्टम हेल्प्स यूजर्स इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर तो ऑपरेशन सिस्टम क्या करता है जो हम लोग यूजर्स है ठीक है अगर वो डॉस में लिखा हुआ है इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस तो वो क्या करता है जैसे विंडोज हो गया इट मेक्स अस वेरी इजी टू तो इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर जैसे माउस अभी बटन क्लिक कर रहा है पहले तो माउस थे ही नहीं कीबोर्ड से करना पड़ता था तो इट वॉज तो वेरी डिफिकल्ट ठीक है तो ऑपरिटिंग मेक्स अस वेरी इजी टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर यूनिक्स एम एस डॉस लिनक्स विंडोज मैक ओ एस और सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज बाय द कॉन्टेम्पररी कंप्यूटर्स तो ये सब हम लोग यूज़ करते हैं जैसे अभी यहाँ पे कौन सा इंस्टॉल्ड है विंडोज है ठीक है तो वैसे ही बात है अभी पढ़ेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट की बोर्ड तो ये हंड्रेड परसेंट इंपॉर्टेंट है तो यहां से कुछ भी आ सकता है ठीक है और भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स बहुत सारे हैं तो वो अलग से अगर वीडियो निकलता है तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल प्लस है इसका मतलब है ऑल कंट्रोल प्लस बी बोल्ड कंट्रोल प्लस सी कॉपी कंट्रोल प्लस डी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंट्रोल प्लस सी सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस आई इटेलिक्स कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाइड अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस एन ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट कंट्रोल प्लस ओ ओपन एक्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट वो ए भी इंपॉर्टेंट है कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट और सेंट्रल अलाइनमेंट क्या क्या है यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी प्रिंट स्क्रीन प्रिंट स्क्रीन टेकेस्ट स्क्रीन शॉट अगर प्रिंट स्क्रीन जो बटन है की बोर्ड में अगर वह प्रेस करता हो तो इसका स्क्रीन शॉट ले लेगा ले All plus tab switch to next open program. Control plus home go to beginning of a file or worksheet. This is important. Hai. Control plus home. Control plus end go to end of a file or worksheet. All plus shift plus tab switch to previous open program. All plus F4 close window. shutdown. down. Control plus Y redo. Control plus Z undo. Control plus W close file. कंट्रोल प्लस एक्स कट कंट्रोल प्लस एफ टू प्रिंट प्रिव्यू एफ वन हेल्प एफ टू एडिट रीनेम एफ फोर प्रॉपर्टीज एफ फाइव गो टू एफ सेवन स्पेल चेक एफ ट्वेल्व सेवेस ये इंपॉर्टेंट है ठीक है एफ ट्वेल्व करने सेवेस से आता है कौन सा बटन है ठीक है जैसे काम कर रहे हो कौन सा बटन है तो तुम्हारा काम सेव कर देगा एफ ट्वेल्व अगर प्रेस करते हो तो तुम्हारा काम सेव कर देगा सेवेस के ऑप्शन में Escape एस सी मतलब होता है एस्केप कंट्रोल प्लस एस सेव कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन कंट्रोल प्लस पी प्रिंट कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंग हाइपरलिंग इंपॉर्टेंट है और प्रिंट भी इंपॉर्टेंट है ओके okay. तो कुछ कुछ अदर वर्ड्स है तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ठीक है थीके? किसका मीनिंग क्या क्या है एक्टिव सेल्स द सेल्स इन एम एस एक्सेल विद डार्क बाउंड्री इज कॉल्ड द एक्टिव सेल जैसे बहुत सारा सेल है ठीक है जिस सेल में वो ऐसा डार्क हो जाएगा वो ठीक है ये सेल बहुत डार्क हो जाएगा मतलब तुम्हारा जो भी तुम लिखने हो यहाँ पे लिखने वाला है ठीक है उसको कहेंगे एक्टिव सेल एल यू इट स्टैंड एरेथमेथिक लॉजिक यूनिट्स ऑल द कैल्कुलेशन द कंप्यूटर सर डन हियर तो एलू क्या करता है एरेथमेथिक एंड लॉजिक देखो यहाँ पे एरेथमेथिक है ही ऑलरेडी तो सारा कैलकुलेशन कौन करेगा ए एल यू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट इज डिजाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक एप्लीकेशन सच एज पेरोल वर्ड प्रोसेसिंग ग्राफिक्स एक्सेट्रा बैच प्रोसेसिंग डेटा और प्रोसेस इन ए बैच बायोस बायोस क्या होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम दिस प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन रोम ठीक है जैसे कंप्यूटर खोलते हो ठीक है तो हम लोग पहले किस फेज से गुजरते हैं तो हम लोग बायोस से जाते हैं बीट इट इज शॉर्ट फ्रॉम अ बाइनरी डिजिट बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म क्या है बाइट बीट किलोबाइट तो क्या हो गया बीट हो गया बूट लोडर इट

इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स तो सेल्स क्या होता है और इंटरसेक्शन जैसे ये रो मिला ठीक है सॉरी ये कॉलम मिला और ये रो मिला ठीक है और ये बन गया सेल्स ठीक है सेल पॉइंटर द बाउंड्री ऑफ द एक्टिव सेल इज कॉल्ड द सेल पॉइंटर तो यहाँ पे जो एक्टिव सेल है उसको क्या है सेल पॉइंटर कॉपी इट मीन्स द मेटेरियल एंड इन्फॉर्मेशन आर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर और प्रोड्यूसर मतलब जो मेटेरियल या फिर इंफॉर्मेशन है ठीक है वो कॉपीराइटेड है मतलब इट बिलोंग्स टू दैट पर्सन ओनली काउंटर फेटिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस काउंटर फेट्स मतलब विंडोज निकल गया विंडोज को कॉपीराइट करके कॉपी करके बेच रहे हैं बस काउंटर हो गया क्रैकर एक क्रैकर इज अ पर्सन हु ब्रेक्स इन टू ए कंप्यूटर सिस्टम टू स्टील द इन्फॉर्मेशन एज प्रोग्राम्स फॉर अनऑथोराइज यूज तो इसको हैकर भी कह सकते हैं हम लोग कहते हैं ना हैकर ओके okay, तो सेम एक क्रैकर उसको कहते हैं सी यू स्टैंड्स फॉर द कंट्रोल यूनिट इट कंट्रोल्स द कंप्यूटर सिस्टम डेटा डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स डेटाबेस इट इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स डेटा रिमेंस इन एन ऑर्गेनाइज्ड फाइल्स इन अ डेटाबेस डेटा कैप्चर इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग और कैप्चरिंग डेटा फ्रॉम ए साइट और ए सोर्स डेटा मैनिपुलेशन कैप्चर्ड डेटा आर मैनिपुलेटेड टू प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन डेटा प्रोसेसिंग इट इज अ प्रोसेस टू गेट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटा डीबीएमएस डेटाजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इट इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज टू मैनेज डेटा बेस डी एच टीएमएल इट स्टैंड फॉर डायनेमिक हाइपरटेक्स मार्कअप लैंग्वेज याद रखना है इसको डी एच टी एमएल एच टी एमएल तो पता है डी एच टी एमएल क्या हो गया डायनेमिक हाइपरटेक्स स्मार्कअप लैंग्वेज क्रिएट डायनेमिक कंटेंट ऑन ए वेबपेज डायलॉग नेटवर्क इट इज द मैथड फॉर मैथड बाय विच ए कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट बाई यूजिंग टेलीफोन डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखना है इसको डॉस का फुल फॉर्म क्या है इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोडिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर मेमोरी एथिक्स एथिक्स आर रूल्स एंड बिलीव फील्स फील्स इज एस इज ए कलेक्शन ऑफ बाइट डेटा अबाउट एंड आइटम फाइल ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स GML, it stands for General Markup Language. Hacker, hackers is a person who breaks into a computer system to get access to the information stored there. HTML, it stands for Hypertext Markup Language. It is used to create web pages. Lab, rakhna HTML. Lab, stand for Internet Activities Board, which was formed in, Sorry, IAB. IAB, Internet Activities Board.

इंटरनेस सोसाइटी वॉज फॉम इन नाइनटीन ट्वेंटी टू टू प्रोट ऑफ इंटरनेट इनपुट यूनिट इट इज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड यूज टू एंटर डेटा लिनक्स इज अक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम विद ग्राफिकल यूज इंटरफेस पहले यूनिक्स था उसके बाद उसका ग्राफिकल ग्राफिकली उसको डेवलप किया गया था तो ये हो गया लिनक्स मैक ओ एस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन मैकेश कंप्यूटर डेवलप बाई एपल एपल ने डेवलप किया था मैके मॉडेम इज अ डिवाइस टू कनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम टू इंटरनेट यूजिंग टेलीफोन और केबल लाइन्स एम यू मेमरी यूनिट इट इज स्टोर डेटा तो मेमोरी यूनिट में क्या करते हैं डेटा स्टोर करते हैं ऑनलाइन प्रोसेसिंग इट इज यूज वाइन डेटा आर कमिंग कंटिन्यूअस्ली विदाउट डिले ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज यूज टू टेक आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सारी ऑपरेटिंग यूनिट टेक आउटपुट फ्रॉम द कम्प्यूटर हो गया ऑपरेटिंग यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया इट इज इंटरफेस बिटवी द ह्यूमन एंड यूजर्स एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर पायरेसी इसका नाम सुना होगा पायरेसी इट इज इलिगल रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तो जैसे सी डी ए खरीद लिया उसको बेच रहा है तुम ठीक है कॉपी कर रहा है बेच रहा है तो उसको हो गया पायरेसी प्राइमरी की इट इज अ फील्ड विद यूनिक वैल्यू फॉर इच रिकॉर्ड प्राइमरी मेमोरी इट इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम क्वेरी इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटाबेस रेंज ऑफ सेल इट इज ए ग्रुप ऑफ नेबरिंग सेल्स दैट टच इच अदर तो रेंज ऑफ सेल नेबरिंग सेल ठीक है ये नेबर सेल है तो ग्रुप ऑफ सेल नेबरिंग सेल्स दैट टच इच अदर आर डी बी एम एस रिलेशनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम रिकॉर्ड्स कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स सेकेंडरी मेमोरी द इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इट रिलेट्स टू द सेस ऑफ प्रोग्राम सोलरिस इट इज़ अ यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम याद रखना सोलर क्या है यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम सोलर ऑप्शन um, में आ सकता है विंडोज विस्टाज सोलरिस्ट ठीक है तो इज एन यूनिक्स लाइक ओपन सिस्टम डेवलप बाय द सन माइक्रो सिस्टम सॉर्टिंग इज अरेंजिंग ऑफ डेटा इन ऑर्डर हाँ ये वाला आ चुका है करेक्ट सॉर्टिंग किसे कहते हैं इट इज अरेंजिंग ऑफ ये आसाम सेक्रेटरी जे ए, ए में आ चुका है अरेंजिंग ऑफ डेटा इन ऑर्डर उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं सॉर्टिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इट परफॉर्म बेसिक फंक्शन दैट आर नेसेसरी टू ऑपरेट ए कंप्यूटर सिस्टम टैग इट इज अ पार्ट ऑफ एच टी एम एल इट डिटर्म द वे द ब्राउजर डिस्प्ले टेक्स्ट इन ए वेब पेज यूनिक्स इट इज पावरफुल मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इट यूज कॉमन लाइन यूजर इंटरफेस वायरस इट इज ए हार्मफुल कंप्यूटर प्रोग्राम तो वायरस क्या एक कंप्यूटर प्रोग्राम है हार्मफुल कंप्यूटर प्रोग्राम है ठीक है वायरस क्या एक प्रोग्राम है तो चलो कुछ फैक्ट्स है उनको हम लोग फिर से एक बार पढ़ लेते हैं एक कंप्यूटर इज अ डेटा प्रोसेसिंग मशीन इट हैज टू मेन पार्ट्स कंप्यूटर क्या क्या एक हो गया हार्डवेयर एक हो गया सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्राइजेस ऑफ द फिजिकल ऑफ द कंप्यूटर जिसको हम लोग छू सकते हैं फिजिकल यूनिट मतलब छू सकते हैं सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर मेक अ कंप्यूटर सिस्टम फंक्शनल बिना एक का दूसरा चल नहीं सकेगा तो दोनों हम लोग को चाहिए ठीक है Data raw facts and figures. An operating system interface between the users operating system in, uh, interface between the users and the computer hardware. Operating system manages computer resources. Most popular social networking sites: Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram. An oper operating system performs different functions. An operating system is responsible for processing, management, file management, etc. There are many kinds of operating systems. Some popular operating systems are DOS, Unix.

ठीक है इसमें फाइल्स ऐसा रहेगा और इसमें क्या रहेगा दो कंटेंट्स है वो सब रहेगा द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग टेक्स वैल्यूज इन ए सीरीज विद इन ए इज फॉर्मूलाटिनेशन लिंकिंग टेक्स वैल्यूज इन ए सीरीज विद इन ए फॉर्मूला उसको क्या कहता है कॉन्टिनेशन इसको याद रखना द कंप्यूटर इज ए डेटा प्रोसेसिंग मशीन Data processing involves some activities like data computing, data manipulation and information management. A database is a collection of interrelated data. Database is a collection of interrelated data. Computers are very useful for maintaining databases. The relational database is a collection of data items organized as a set of formally described tables from which data can be accessed or resembled in many different ways without having to reorganize the database tables ms-access is a powerful program to create and manage our database. important. ms-access is a powerful program to create and manage our database. create and manage our database con. ms-access. a table is a collection of data about a specific topic. a form is a graphical representation of a table. a form can a graphical representation of a table. a report is a presentation of data in a printed format. we can create mailing labels for योर डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस कैन क्रिएट मेलिंग लेवल्स फॉर योर डेटा बेस वेरी इंपॉर्टेंट कैन क्रिएट मेलिंग लेवल्स फॉर योर डेटाबेस यूजिंग क्या एमएस पावर पॉइंट एमएस वर्ड क्या तो ये हो गया एमएस एक्सेस इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क विथ मिलियंस ऑफ कम्प्यूटर अटैच टू इट तो बहुत सारे कंप्यूटर एक ही साथ में अटैच करते हैं उसको हम लोग क्या कह सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंटरनेट द इंटरनेट वॉज ऑरिजिनल डेवलप बाई द यू एस डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस तो इंटरनेट पहले किसने इन्वेंट किया था वॉज डेवलप डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बायूस द वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू 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 वॉज इन्वेंटेड बाई टीम बर्नसली वेरी इंपॉर्टेंट डब्ल्यू 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 किसने इन्वेंट किया था टीम बर्ंसली फैट थर्टी ट्वेंट एन एफ टी एस आर टू मेजर फाइल सिस्टम इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड फैट थर्टी टू एन टी एफ एस तो फैट थर्टी टू और एन टी एफ एस क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दो वेबसाइट आर फाइल्स इन सर्वर्स आर पावरफुल कंप्यूटर्स तो वेबसाइट क्या है फाइल्स इन सर्वर्स सर्वर आर पावरफुल कंप्यूटर्स सर्वर्स मतलब क्या होता है जो बाहर जैसे गूगल हो गया ठीक है गूगल का अपना सर्वर्स हो गया तो बहुत हाई लेवल ऑफ स्टोरेज वहाँ पे रहते हैं ठीक है वहाँ पे बहुत सारे डेटाज रहते हैं तो ये क्या होता है इंटरनेट में आ जाता है और इंटरनेट में यूजर्स यूज use करते हैं जैसे यूजर्स आते हैं तो इस यहाँ से डेटा आके हम लोग को आता है ठीक है वेबसाइट कंटेंट्स पेजेस कॉल्ड वेब पेजेस द कलेक्शन ऑफ ऑल वेबसाइट्स इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब और WWW। डब्ल्यू डब्ल्यू हाइपरटेक्स वॉज फर्स्ट कॉइन बाय टेड नेल्सन इन नाइनटीन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हाइपरटेक्स वाज़ फर्स्ट कॉइन बाय हुम टेड नेल्सन HTML टी इज अ मार्कअप लैंग्वेज इट इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस इट इज यूट कॉल्ड टैग्स तो HTML क्या यूज करता है कौन सा कॉमन यूज करता है टैग्स टेक्स एडिटर आर यूज टू कम्पोज एस्टीएमल एस्टीमल इन वेब ब्राउज इन ए फोटोशॉप टूल वर्क द टूल्स आर ग्रूप्ड बाई टाइप तो टूल्स कैसे होता है बाय टाइप जैसे यहाँ पे हो गया ए बी सी डी लिखने के लिए यह हो गया कलर्स के लिए अलग सेक्शन तो आर ए ग्रूप बाई टाइप सम ऑफ द टूल्स आईकॉन्स हैव ए टाइनी ब्लैक ट्राइंगल इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ देयर आइकॉन्स दिस मीन्स दैट देर आर मोर टूल्स द सेम जनरल काइंड अवेलेबल ऑन दॉप मैम मेन्यू ऐसा कोई ठीक है बटन रहेगा तो so, इसके ये बटन के ऊपर ऐसा डॉट रहेगा मतलब इसके अंदर और भी कुछ है ठीक है और सारे ऑप्शंस है मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज एंड्रॉइड फॉलोड बाय आईओएस एंड विंडोज वर्जन ऑफ एंड्रॉइड ओल्ड टू न्यू आर ठीक है पहला देखो क्या क्या था पहला था कपकेक याद रखना है इसको फिर आ गया डोनट एक्लेस बताओ चॉकलेट है सर डोनट एक्लेस फ्रायो जिंजर ब्रेड हनीकॉम आइसक्रीम सैंडविच ठीक है मैं शायद आइसक्रीम सैंडविच से हाँ यहाँ से चलाया था हाँ सही है हनी मिला मिलानी फिर जेलीबीन्स किटकैट लॉलीपॉप मार्शमेलो मेलो ओरियो चलो सब ओरियो खा रहे हैं बढ़िया है कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इसको याद कर लेना ठीक है कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जर डिजिटल इनिशियटिव इन टू पुश ई एडुकेशन बाई द गवर्नमेंट आर स्वयं स्वयं प्रभा नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी एंड नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑरिकल इज ए डेटाबेस तो ऑरिकल क्या है इंपॉर्टेंट है आ सकता है ऑरिकल क्या है इज ए डेटाबेस सॉफ्टवेयर स्पीड ऑफ द कंप्यूटर और क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन हर्ट्स ये भी इंपॉर्टेंट है स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इज मेजर्ड इन वॉट हर्ट्स speed of the modern processor are often measured in gigahertz this is important speed of modern processor um, measured in gigahertz speed of computer is measured in Hertz Oracle is a database software speed of communication over a data channel is measured in baud this is important over a data channel communication over a data channel is measured in baud DHCP dynamic host configuration protocol is a network management प्रोटोकॉल यूज ऑन टी सी आई पी नेटवर्क टू प्रोवाइड क्विक ऑटोमेटिक एंड सेंट्रल मैनेजमेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आई पी एड्रेसेस विद इन द नेटवर्क ये भी इंपॉर्टेंट है जंक ई मेल इज कॉल्ड स्पैंक स्पैम ठीक है जंक ई मेल को क्या कहते हैं हम लोग स्पैम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग वट इज क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ द कंप्यूटर पावर डेटा विद स्टोरेज एप्लीकेशन एंड अदर आई टी रिसोर्सेज थ्रू एक क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म मेनली बी द इंटरनेट इन अदर वर्ड्स इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म जस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेशन यूजर तो यहाँ पे क्लाउड क्या होता है जैसे तुम्हारे ज, जो भी तुम्हारा, आ, क्या कहता है प्रोग्राम को रन करने के लिए जो भी कुछ चाहिए या फिर कोई डेटा वगैरह चाहिए ठीक है थीके? तो ये एक क्लाउड स्टोरेज में स्टोर रहता है ठीक है और जैसे ही मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा ही है हम लोग क्लाउड्स में यूज कर सकते हैं जैसे हम लोग का हो गया एमएस एक्सेल ठीक है एमएस एक्सेल क्या होता है विंडोज में लोडेड है ठीक है वर्क करते हैं यहाँ पे सेव रहता है शीट्स क्या होता है क्लाउड्स में रहता है कोई हम लोग को डायरेक्टली हम लोग को वेब पेज में जाओ शीट्स टाइप करो और वहां पे सारा ऑलरेडी एक एप्लीकेशन बना हुआ है ठीक है तो जस्ट वहां से हम लोग को यूज करके सेव करना है ठीक है उसके लिए हम लोग को अलग से कोई एप्लीकेशन जरूरत नहीं है स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल आर अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कैलकुलेशंस Spreadsheet and MS Excel appropriate for performing numerical and statical calculation killy spreadsheet and MS Excel. CAD CAM system are based on the interactive computer graphics CAD CAM Data Encryption Standard DES Data and Encryption Standard is an implementation of Feistel cheaper. It is it uses 16 round Feistel structure and block size 64 bits. Orthographic 3D projection, a form of parallel projection is a means of representing 3D objects in 2D. The Banker algorithm, sometimes referred as detection algorithm, is a resource allocation and deadlock avoidance algorithm developed by Edsker, W. Dijkstra. The Banker algorithm. Who developed it? Edsker, W. Dijkstra. Gateway is used to connect two different networks using different protocols. तो दो प्रोटोकॉल को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं गेट वे हाफ बाइट इज नोन एज निबल वेरी इंपॉर्टेंट ऑलरेडी तुम लोग को पता ही है निब्बल कहते हैं एम एस एक्सएल फ्रॉम वर्सन एट पॉइंट जीरो थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी सिक्स रोज एंड टू फिफ्टी सिक्स कॉलम बट लेटर वर्सन कैन हैंडल टेन थाउजेंड फोर्टी एटेंड बोले टेन लैक्स फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी सिक्स रोज एंड 16,384 थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर कॉलम्स तो ये भी इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ठीक है कॉलम याद रख लो यहाँ पे टू फिफ्टी सिक्स कॉलम्स है यहाँ पे सिक्सटी थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी एट कॉलम्स है जल्दी याद रह जाएगा कुछ एब्रीवियशन हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ठीक है थीके? और ये कहीं ना कहीं आ सकता है ठीक है बहुत चांसेस है तो चलो इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं एब्रीवेशन एसोसिएटेड विद कंप्यूटर सी डेक सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सी डॉट सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स एच टी टीपी हाइपरटेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल वेरी इंपॉर्टेंट रोम रीड रिडर्नली मेमोरी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मॉडर्म मॉड्युलशन डी मॉडुलेशन ये भी इंपॉर्टेंट है कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन पी एस टी एन पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पी एस पी डी एन पैकेज स्विच पब्लिक डेटा नेटवर्क आर ए बी एम एन रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क लैन लोकल एरिया नेटवर्क वैन वाइड एरिया नेटवर्क मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क सी डी एम ए कोर्ट डिविजन मल्टीपल एक्सेस सी डी एम ए क्या हो गया कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस कैश गेट वे इंटरनेट एक्सेस सर्विस ई मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क एल डी यू लिक्विड डिस्प्ले यूनिट सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैम्प कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कैट स्कैन कॉम्प्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन कोबॉल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज याद रखना इसको कोमाल कॉमन एल्गोरिदम लैंग्वेज डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये इसको याद रखना डी टी एस डेस्कटॉप सिस्टम डी टीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एनियक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एनीक फैक्स फेसमाइल ऑटोमेटेड जेरोक्स ये भी इंपॉर्टेंट है फ्लॉप्स फ्लोटिंग ऑपरेटिंग सेकेंड फोर्ट ट्रैंड फॉर्मूला ट्रांसलेशन एच एल एल हाई लेवल लैंग्वेज एस टी एम एलअप लैंग्वेज इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इंपॉर्टेंट आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट आई एस एच इंटरनेशनल सुपर हाईवे एल आई एस पी लिस्ट प्रोसेसिंग एल 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 लोअर लेवल लैंग्वेज एम आईसीआर मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकोगनाशन या फिर रीडर दोनों ही करेक्ट है ठीक है एम आई पी एस मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एमओ पी एस मिलियंस ऑपरेशन पर सैकंड एम पी यू माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट निक्नेट नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क ओ एम आर ऑप्टिकल मार्क रिडर या फिर रिकग्नेशन पीसीडॉस पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉम्राम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी स्नोबॉल स्ट्रिंग एंड जी ओरिएटेड सिंबोलिक लैंग्वेज यूपीएस अन uninterrupt, uninterruptible पावर सप्लाई यूपीएस इसको भी याद रखना video, visual display विजुअल इसको भी याद रखना V4 विजुअल वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब अभी कुछ एब्रिविएशन हम लोग पढ़ते हैं ठीक है ए क्यूआई एयर क्वालिटी इंडेक्स ए वीईएस एक्यूट वायरल Encephalitic syndrome bctt bank cash transaction tax bcsbi banking codes and standard board of india cic central information commission csto collective security treaty organization cnlu chanakya national law university di domestic Inst uh, institutional investor dth direct to home eecgc export credit guaranteed corporation fdi foreign direct investment fii Foreign Investment Institutional Investor Gandhi Green Action for National Dandi Heritage Initiative Gagan GPS Aided Geo Augmented Navigation Gaum Georgia Ukraine Azerbaijan Moldovia GVA Gross Value Added HPA Highly Pathogenic Avian Influenza IAEA International Atomic, Atomic Energy Agency आईसीआईसी आई इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आई एफ एस सी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आई आई टी एफ इंटरनेशनल इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आई एम ओ इंस्टेंट मनी ऑर्डर आई बी एस ए इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका आई आर डी ए इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऑथोरिटी के वाई सी नोयोर कस्टमर मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड mro mars recognitions orbiter nadt national Auth authority on drugs and therapeutics nato national atlantic treaty organization ncc national council for clinical establishments nch national consumer helpline neia national export insurance accountant nmdp national Mar maritime development program njc national judicial council NOT National Organisation of Tobacco Eradication NSSO National Sample Survey Organisation OCI Overseas Citizens Citizen of India Public Distribution System PETA People of Ethical Treatment of Animal PURA Providing Urban Amenities in Rural Areas PHFI Public Health Foundation of India QIB Qualified Institutional Buyer QIP Qualified Institutional Placement RLDA Railway Land Development Authority आर टी ए रेलवे टेरिटोरियल आर्मी आर टी सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आर टी जी रेडियो आइसोटोप थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर आर टी जी एस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एसक्रा एमजेट सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट एस आई एम सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एसडब्ल्यू टी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स एस सतलुज यमुना लिंक डब्ल्यू वाई डब्ल्यू सी ए यंग वूमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन यू आई डी यूनिक आइडेंटिटी नंबर यू आई डी ए आई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया वीएट वैल्यू एडेड टैक्स जैस जैडा साई जूलिकल जु, जु, सर्वे जूलॉजिकल सर्वे सर्वे ऑफ इंडिया ठीक है तो यहाँ तक हम लोग का एक पार्ट खत्म हो चुका है ठीक है कंप्यूटर का तो और भी कुछ कुछ टॉपिक्स है तो वो अगले वीडियो में हम लोग पार्ट वाइज जो जो छूट गया जैसे टोपोलॉजी हो गया ठीक है कुछ इंपॉर्टेंस है ठीक है वो अलग से हम लोग कवर अप करने वाले हैं ये पूरा वीडियो जो आसम एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जितने बैंक एग्जाम है ठीक है बैंक हो गया एसएससी हो गया लगभग सारे एग्जाम के लिए ये जो आज का वीडियो है ये लगभग सबके लिए इम्पोर्टेंट है तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा क्योंकि इससे बाहर तो आ नहीं सकता है ठीक है तो हम लोग और भी क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है एम टाइप ठीक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एम वो सारे लगा के जाना तो एक आइडिया आ जाएगा कि कैसा कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो जो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो सब कुछ लगा के जाएं क्योंकि उससे ऊपर कोई क्वेश्चन बना ही नहीं सकता है ना एक कंप्यूटर का तुम कितना खोज सकते हो है ना तो सब लगा के जाना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ओके थैंक यू